first time ever driving tractor in my life. It was one of wonderful experience of my life. Good morning. सूरज बिल्कुल भी नहीं है. मैं ज़रा zoom करके आपको दिखा दूँ. ये है सूरज. इतना ज़्यादा सूरज है. तो आज मैं थोड़ा सा इसको और zoom out नहीं होता. अच्छा, मैं ना अभी थोड़ा सा मौसम कुछ बेहतर है तो मैंने अपने एक प्यारे दोस्त फहीम खान को इनवाइट किया है नाश्ते के लिए, क्योंकि मैं उनको पार्टी पे नहीं ले जा सका. उसकी रीज़न उनको पता है और वो उन्होंने आना भी नहीं था. तो इसलिए अभी हम पहले तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, उसके बाद फिर जो हम जहाँ जाते हैं वहाँ का नाश्ता मुझे पर्सनली अच्छा लगता है. चपली कबाब हो गए, काफ़ी अच्छा टेस्ट है. तो वहाँ आपको वहाँ का सीन भी दिखाऊंगा और पहले मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ. जब तक वो आते हैं मैं ज़रा फ्रेश हो लेता हूँ. तो फ्रेश होने के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है. अभी जो शॉप का नाम है कराची पराठा हाउस, ये है हमारे क्या रोड पक्का के शरीफ अड्डा, उस्ताद शरीफ का अड्डा जो है वैगनो वाला, हाई एस और यूरो वगैरह वाला. तो वहाँ पे हम पहुँच चुके हुए हैं. वहाँ का ऑर्डर हमने दे दिया हुआ है और फहीम खान साहब यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं. काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करवाने के बाद थोड़ा सा उन्होंने टाइम दिया. ये पहला बाइट मैं लेने लगा हूँ. ये चने और ये कबाब है. तो अभी मैं पहले चने लेता हूँ, कैसा टेस्ट है. अभी कबाब ट्राई करते हैं. ये हम कबाब ले लेते हैं यहाँ से और इसको हम मिक्स करते हैं चनों के साथ. और यहाँ पे ये रायता भी है, टूट गया है पराठा, टूट गया. टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं खाना खा के. ये मैं आपको ज़रा ज़ियारत करवा दूं फहीम खान साहब की. ये हमारे प्यारे भाई खान साहब, आप अस्सलाम वालेकुम कह दें ऑडियंस को. अस्सलाम वालेकुम. बड़ी काफ़ी सारा चढ़ा थक गया हूँ. काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने के बाद थोड़ा सा टाइम इन्होंने दिया है आज हमें, क्योंकि इन्होंने वापस गाँव जाना था. तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर है. तो अभी मैं इनसे रिव्यू भी लूँगा कि खाना कैसा था. और ये जो गाजर का हलवा है, ये मैंने राह स्पेशल इनके लिए बनाया था. रात तो नहीं आ सके तो अभी इनके लिए सर्व किया. बाकी पहले खाते हैं फिर इनसे रिव्यू लेते हैं. तो अभी खाना वगैरह और जो गाजर का हलवा था वो खाने के बाद अब फ्री हो चुके हैं. तो मैंने सोचा अभी फहीम भाई से रिव्यू ले लेते हैं. तो फहीम भाई, पहले आप नाश्ते का रिव्यू दें कि कैसा था. बहुत अच्छा नाश्ता था, बहुत VIP स्पाइसी. और ये जो गाजर का हलवा जो मैंने खुद तो बनाया, बहुत ही अच्छा था. वैसे इन्होंने ज्यादा खाया नहीं है, पता नहीं. अभी मैं ज़ूम कर, ये देखे नाश्ता हमने असल में ये वैसे का वैसे पड़ा था. नाश्ता हमने फुल मतलब तबाह के किया, तो इस वजह से कोई हमें जरूरत नहीं थी. तो अभी आप ऑडियंस को क्या कहेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब और सपोर्ट करें हमें. है इंशाल्लाह.